Hello students, I am Bishan Sharma, lecturer in physics. Today we will discuss and derive relation between current and drift velocity. जी, हमारे पास एक कंडक्टर है L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन एंड दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी This is the direction of current and the electrons will move towards this direction with drift velocity BD and this will be the direction of electric field applied due to the battery. Let us consider a conductor of length L and uniform area of cross section A. Therefore, volume of the conductor volume of the conductor it will be area of cross section into length. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. द कंडक्टर इज सिलेंड्रिकल, एरिया ऑफ सिलेंडर जो रहता है इट इज पाई आर स्क्वायर. एच होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया. हाइट, हाइट को हमने लेंथ लिया है. सो ए एल इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. लेट एल बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. मेटालिक कंडक्टर्स बिहेव एज कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो हम मान लेंगे कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर में टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो जी हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर. हमारे पास एल आ गया हमारे पास मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो इट इज एन.
So A L N is the number of electrons per unit volume of the conductor. Let E be the magnitude of charge on one electron. Therefore, total charge on conductor due to free electrons, it is charge on one electron multiplied by total number of electrons. So it is ALN. Total charge को हम क्यों कहेंगे? इसको हम organize कर लेंगे N E L A. तो total charge on conductor due to free electrons जो होता है, that is equal to NILA. NILA means learn करने के लिए एक छोटी सी abbreviation है. NILA means N E L A. N means number of electrons per unit volume of the conductor. E magnitude of charge on one electron, L is the length of the conductor, and A is the cross section area of the conductor. अब हम बैटरी जोड़ देंगे कंडक्टर के साथ. पोटेंशियल डिफरेंस B अप्लाई करेगी बैटरी. इसी पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करवाएगी लेफ्ट हैंड साइड. नो लेट ए पोटेंशियल डिफरेंस of B volts B applied across the ends of the conductor with the help of a battery. The electric field set up across the conductor is E equal to B upon L. इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और ये ड्रिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड the electrons will begin to move with drift velocity
BD towards left hand side as shown in the figure. अब हमने देखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के इस एंड से इस एंड तक आने में कितना टाइम लगता है. देयरफॉर टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर it is L upon BD. Time को हम T से नोट कर देंगे. It is L upon BD. ये कैसे आया बताता हूँ आपको मैं. Distance रहता है distance upon time. It is always equal to स्पीड. डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड. अगर हमें टाइम चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्पीड इधर आएगी टाइम उधर जाएगा. टाइम इधर आएगा डिस्टेंस के नीचे. डिस्टेंस के डिनोमिनेटर में स्पीड आ जाएगी. हाँ, इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है. इलेक्ट्रॉन को जहाँ से लेकर जहाँ तक आने में लेंथ ऑफ द कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है लेंथ के बराबर. कंडक्टर को जहाँ से लेकर जहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर. डिस्टेंस आ गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर और डिस्टेंस सारी स्पीड आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So by definition of current we have. It is current is I. It is always charge per unit time. I equal to charge. Charge हमारे पास है N E L A अपॉन चार्ज. हमने पहले ही कैलकुलेट किया है इक्वेशन नंबर वन में. हम लिख सकते हैं यूजिंग वन टाइम. इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड. टाइम मींस L upon BD. आप जहाँ लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड. So I will be equal to N E L A multiplied by BD upon L. They will cancel out. I equal to N E A BD. Is the required relation. I equal to N E A B D. तो मैं आपको बताऊंगा जहां एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो जिस कंडक्टर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे.
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं होता है, इसलिए ये तीनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्वालिटी को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा आई इज प्रोपोर्शनल टू बी डी। Hence, the current flowing through a conductor is directly proportional to the drift velocity. A small value of drift velocity approximately 10^-5 m/s produces a large amount of current in the conductor. Conductor due to extremely large number of free electrons in the conductor. मैंने आपको बता दिया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, वैसे वैसे ही करंट भी बढ़ेगी। थोड़ी सी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडक्टर में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस। It is because of this reason that electric bulb glows immediately when switched on. जब करंट फ्लो करती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहती है। यही कारण है कि जैसे ही बटन ऑन किया जाता है तो उसी वक्त बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है।
उसी वक्त, इसलिए क्योंकि करंट वहाँ पहुँचने में को बड़ा टाइम नहीं लगता है क्योंकि करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैंने बता दिया स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। बच्चों कभी कभी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वन मार्क के क्वेश्चन में आते हैं, तो ऐसे दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड टू कॉन्स्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो पहले इसको नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ टू बी डिटरमाइंड इन 1 सेकंड। टाइम दिया गया है हमारे पास 1 सेकंड टू कॉन्स्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू दी गई है 1 एम्पियर। व्हाट चार्ज जो होता है, मैंने बताया था आपको आई टी के बराबर रहता है। चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू आई टी, आई इज द करंट एंड टी इज द टाइम। सो क्यू इक्वल टू आई, आई हमारे पास 1 एम्पियर है इनटू टाइम 1 सेकंड है, तो क्यू इक्वल टू 1 × 1, इट विल बी 1 कूलम। टाइम 1 सेकंड है, ऐसा युद्ध है, करंट हमारे पास 1 एम्पियर है, तो एम्पियर भी ऐसा यूनिट है, तो चार्ज का जो यूनिट आएगा वो कूलम आएगा। बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई होता है। क्यू इक्वल टू एन ई मीन्स टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो we need to determine n, it will be q upon e, n equal to q, q means 1 coulomb, q is 1 divided by e, e is the magnitude of charge on 1 electron, so it is 1.6 × 10⁻¹⁹, because charge of electron is equal to 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। हम इसको सॉल्व करेंगे 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹ + 19। इसको न्यूमरेटर में ले आइए भाई, n इक्वल टू टोटल सॉल्व करके आएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स pass through a wire in 1 minute. How many electrons pass through a wire in 1 minute? If current passing through the wire, if the current passing through the wire is 200 milliampere, how many electrons, n
it is to be determined in 1 minute. Time is 1 minute. इसको SI में कन्वर्ट करो, इट विल बी 60 सेकेंड. करंट थ्रू द वायर इज I इक्वल टू 200 मिली एम्पियर. I इक्वल टू 200 मिली मीन्स 10 रेज पर माइनस 3 एम्पियर. But charge equal to IT. ये आपने याद रखना है, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हों तो आपको टोटल चार्ज का मालूम होना बहुत जरूरी है. इट इज़ द टोटल चार्ज, इट इज इक्वल टू IT. सो चार्ज विल बी इक्वल टू I. I मीन्स 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पर माइनस 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ I मल्टीप्लाइड बाई T means 60. So it will be 2 into 10 raised to power 2. The 200 hai, into 10 raised to power minus 3 into 6 into 10 raised to power 1. 6 into 10 raised to power 1 means 60. So Q equal to 2 into 6. It is 12. Multiplied by 10 raised to power 2 minus 3 plus 1 Q equal to 12 into 10 raised to power 0. Q equal to 12 coulomb. What Q equal to? N E. पहले भी बताया मैंने. So N E equal to Q upon E. N will be equal to E. इधर चला जाएगा. N equal to Q means 12. हमारे पास है E means 1.6 into 10 raised to power minus 19. N equal to 12 multiplied divided by 16 into 10 raised to power minus 1. 1.6 from ऐसे भी लिख सकते हैं. 16 into 10 raised to power minus 1 multiplied by 10 raised to power minus 19. So N equal to 12 upon 16 into 10 raised to power 1 multiplied by 10 raised to power 19. इन दोनों को न्यूमरेटर में ले जाओ भाई. 4 3 is 4, 4. N equal to 3 upon 4 into 10 into 10 raised to power 19. So N will be equal to 3 divided by 4. 3 divided by 4 means 0.75 into 10 into 10 raised to power 19. इनको इकट्ठा रखिए भाई. N equal to 7.5 into 10 raised to power 19 electrons. Thank you.